हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू परचम। पॉलिटी एमसीक्यू सीरीज़ में नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं एमसीक्यू ऑन कैग एंड सीबीसी। सीबीसी का मतलब होता है सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर। अगर इसको हिंदी में बात करते हैं तो इसको हम बोलते हैं केंद्रीय सतर्कता आयोग। और उसी प्रकार कैग का मतलब होता है कॉम्पटोलर एंड ऑडिटर जनरल, जिसको हिंदी में हम भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग के नाम से जानते हैं। तो इन पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि पहले पर्सन कौन थे, किस कमेटी के रिकमेंडेशन से बने थे, इनका टेन्योर क्या होता है, इनके काम क्या होते हैं, इनकी पावर क्या है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं या स्टैचुरीज बॉडी हैं, इसके अलावा इनकी नियुक्ति कौन करती है, इनको हटाया कैसे जाता है, इस तरीके के जो भी क्वेश्चन एग्जाम में फ्रेम होते हैं, उन सभी क्वेश्चन पे हम एमसीक्यू यहाँ पे समझेंगे। तो दो टॉपिक यहाँ पे डिस्कस होने वाले हैं। कैग, कैग बेसिकली एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, क्योंकि इसका जिक्र आपको भारतीय संविधान में मिलता है आर्टिकल 148 में, और कैग की जो भी पावर्स हैं, जो शक्तियाँ हैं, वो आपको आर्टिकल 149 में देखने को मिलती है। तो कैग उस हिसाब से आपका कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो जाता है। लेकिन अगर हम सीबीसी की बात करते हैं, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, इसको एक एक्ट के जरिए बनाया गया है, मतलब एक स्टैचुरी बॉडी है। तो आज के डिस्कशन में हम एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और एक स्टैचुरी बॉडी के बारे में, उससे रिलेटेड एमसीक्यू के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। सो वीडियो को लास्ट तक देखना है। वीडियो के बीच में आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, विच इज़ क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। सो अगेन मैं आप लोगों से बोलूँगी, आप कॉपी पेन लेकर बैठिए, जिससे जो भी इंपॉर्टेंट आपको फैक्ट्स लगते हैं उनको वन लाइनर के फॉर्म में नोट करते जाइए, जो आपके एग्जाम में मदद करेंगे। सेशन को कम्प्लीट देखने के बाद आपके पास जो भी बुक होगी, उससे आप प्रीवियस ईयर में आए हुए एमसीक्यू जो कि कैग पर और सीबीसी पर आए होंगे, उनको आप ज़रूर देखेंगे। ठीक है, तो आइए सेशन की शुरुआत करते हैं। फटाफट लिंक को एक बार शेयर कर देंगे। अच्छा, अगर आपको पीडीएफ चाहिए है तो परचम की वेबसाइट पर आपको आज की क्लास का पीडीएफ मिल जाएगा, आप वहाँ से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे सीबीसी मतलब सेंट्रल विजिलेंस कमीशन से, और फिर बाद में हम कैग के ऊपर चर्चा करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, व्हेन वाज सीबीसी सेटअप, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को कब सेटअप किया गया था हमारे देश में। जैसे नाम से समझ में आ रहा है सतर्कता आयोग, तो जो करप्शन होता है, भ्रष्टाचार होता है, उसके ऊपर काम करने का काम सीबीसी करता है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की बॉडी हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट की बॉडी और एम्प्लॉयज़ हो। तो उन एम्प्लॉयज़ पे, चाहे वो ग्रेड ए ऑफिसर हो, बी ग्रेड ऑफिसर हो, उन सभी पर विजिलेंस करने का काम सेंट्रल विजिलेंस कमीशन करता है। और इसको सेटअप करने का काम 1964 मतलब 1964 में किया गया था। सो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, थोड़ी सी बातें हम कर लेते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो गवर्नमेंटल करप्शन है, उसको कंट्रोल करने के लिए, उसे रेगुलेट करने के लिए 1964 में सेंट्रल विजिलेंस कमीशन बनाया गया था, जिसका हेडक्वार्टर आपको नई दिल्ली में देखने को मिलेगा। अभी जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन होता है, एक मल्टी मेंबर बॉडी है, मल्टी मेंबर एक कमीशन है, जिसमें एक सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर होता है, लेकिन दो से ज़्यादा अदर विजिलेंस कमिश्नर्स नहीं हो सकते। इसमें साफ साफ लिखा है, द कमीशन कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर एंड नॉट मोर देन टू विजिलेंस कमीशन। ठीक है, अगर अभी हम बात करते हैं तो जून में 2021 में 18th नंबर के सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को अपॉइंट किया गया था प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। इसका ये मतलब होता है कि राष्ट्रपति सीबीसी की नियुक्ति करने का काम करते हैं, और प्रेजेंट में हमारे जो सीबीसी हैं वो सुरेश एन पटेल जी हैं। ठीक है, तो इसलिए इनका नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, हु इज़ द करेंट सीबीसी ऑफ इंडिया, भारत के प्रेजेंट सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर कौन है। तो आंसर हो जाएगा सुरेश एन पटेल जी हैं, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है, अगर हम थोड़ी सी और बातें करते हैं कि किस कमेटी की रिकमेंडेशन से सीबीसी को बनाया गया था और कब एक्ट पास हुआ, मतलब कब इसे स्टैचुरी बॉडी का स्टेटस मिला, उन दो प्रश्नों पे हम चर्चा कर लेते हैं। तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा सेटअप किया गया था बाय द रिकमेंडेशन ऑफ श्री के सांथनम कमेटी। तो सांथनम कमेटी की रिकमेंडेशन फेव 1964 में आई थी, और ये कमेटी जो है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन पे बनाई गई थी, इसकी कमेटी की रिकमेंडेशन से ही सीबीसी को बनाया गया था। तो सीबीसी का रोल क्या होता है, एडवाइज और गाइड करना सेंट्रल गवर्नमेंट को, क्योंकि एक एडवाइजरी बॉडी है ये, एडवाइज करने का काम और गाइड करने का काम सेंट्रल एजेंसी या सेंट्रल गवर्नमेंट की डिफरेंट एजेंसी को करने का काम ये करती है। ठीक है, ये बेसिकली ज़ीरो टॉलरेंस करप्शन पे काम करती है।
किस पे काम करती है, जीरो टॉलरेंस करप्शन, देश को, डिफरेंट एजेंसी को, एग्जीक्यूटिव बॉडी को करप्शन फ्री बनाना इसका मेन एजेंडा है। तो यहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा एक एक्ट पास किया गया था जिसका नाम है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट 2003, और 2003 में इसे रिसीव हुआ था प्रेसिडेंट का असेंट, मतलब प्रेसिडेंट ने इस बिल पे साइन कर दिए थे, और 2003 से सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक स्टैचुरी बॉडी के रूप में काम कर रहा है। एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक इंडिविजुअल या इंडिपेंडेंट बॉडी है, मतलब किसी भी मंत्रालय, किसी भी मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट के अंदर काम नहीं करती है। सो नोट यहाँ पर मेंशन है, द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन इज नॉट कंट्रोल्ड बाय एनी मिनिस्ट्री आर डिपार्टमेंट, इट इज़ एन इंडिपेंडेंट बॉडी विच इज़ ओनली रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट। तो इसलिए आपको ये कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स अपने माइंड में रखने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है अबाउट सीबीसी, नॉट करेक्ट। पहला लिखा है कि सीबीसी को अपॉइंट करने का काम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं। बिल्कुल, थोड़ी देर पहले हमने देखा है कि राष्ट्रपति हमारे केंद्रीय सतर्कता आयुक्त को नियुक्त करने का काम करते हैं, तो ऑप्शन ए तो बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है, टेन्योर ऑफ सीबीसी इज 5 ईयर। यहाँ पे लिखा है जो कार्यकाल होता है सीबीसी का वो 5 साल का होता है। ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि जो टेन्योर होता है सीबीसी का वो 4 साल या 65 साल होता है, जो भी पहले हो जाए, 4 ईयर्स या फिर 65 ईयर्स। नेक्स्ट बात करते हैं, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन कैन बी रिमूव्ड आर सस्पेंड फ्रॉम द ऑफिस बाय द प्रेसिडेंट ऑन द ग्राउंड ऑफ मिसबिहेव, बट ओनली आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड अ इंक्वायरी इनटू दिस केस एंड रिकमेंडेड एक्शन अगेंस्ट हिम। यहाँ पे बोला गया है कि सीबीसी जो है, पहली चीज़ तो याद रखिएगा, सीबीसी को अगर रेजिग्नेशन देना है, अपना इस्तीफा देना है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को देगा। लेकिन अगर सीबीसी को हटाना है तो राष्ट्रपति उन्हें हटा सकता है, लेकिन अपनी मर्जी से नहीं हटाएगा। यहाँ पर उनके मिसबिहेव के आधार पर सुप्रीम कोर्ट एक इंक्वायरी कमेटी बनाएगी और उस कमेटी के रिकमेंडेशन के बाद ही राष्ट्रपति सीबीसी को हटाएगा। और अगली बात लिखी गई है कि सीबीसी एक एडवाइजरी बॉडी है। बिल्कुल सही बात है कि सीबीसी जो है वो एक सलाहकारी निकाय है जिसका काम सेंट्रल गवर्नमेंट के जो इंस्टीट्यूट हैं, अथॉरिटी हैं, उनको सलाह देने का काम है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी अकेला गलत हो जाएगा, बाकी सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं। तो अपॉइंटमेंट अगर बात करते हैं सीबीसी के बारे में, तो सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर और दूसरे विजिलेंस कमिश्नर को अपॉइंट करने का काम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं। अब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपनी मर्जी या अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करते हुए सीबीसी की नियुक्ति नहीं करते। सीबीसी को अपॉइंट करने के लिए एक 3 मेंबर की कमेटी बनाई जाती है। उस कमेटी के रिकमेंडेशन के बाद ही प्रेसिडेंट सीबीसी को अपॉइंट करने का काम करते हैं। अगर हम उस 3 मेंबर की कमेटी की बात करते हैं, तो इस कमेटी के चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर होते हैं, दूसरे जो मेंबर हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से होते हैं, और तीसरे पर्सन जो है वो अपोजिशन पार्टी के लीडर होते हैं लोकसभा से। तो इन 3 मेंबर के द्वारा जो है अब रिकमेंड किया जाता है और फिर प्रेसिडेंट सीबीसी को नियुक्त करते हैं। तो कौन कौन से 3 व्यक्ति, एक तो प्रधानमंत्री होते हैं, इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से होता है एक व्यक्ति, और एक व्यक्ति जो है वो अपोजिशन का लीडर होता है लोकसभा से। नेक्स्ट बात करते हैं सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के टर्म एंड सैलरी के बारे में। जैसा कि मैंने कहा कि इनका टेन्योर 4 साल का होता है या फिर 65 साल का होता है, जो भी पहले हो जाए। अगर हम इनकी सैलरी के बारे में बात करें, तो पार्लियामेंट ऑब्वियसली डिसाइड करती है इनकी सैलरी और इनके अलाउंसेस के बारे में, लेकिन इनको जो सैलरी दी जाती है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से दी जाती है। जैसे कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की जो सेम सैलरी होती है, वही सीबीसी की सैलरी भी होती है, जो कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से दी जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं इनको हटाने की प्रक्रिया। तो इन्हें मिसबिहेवियर के आधार पर प्रेसिडेंट हटा सकते हैं, बट उसके लिए सुप्रीम कोर्ट एक इंक्वायरी कमेटी बनाएगी, उस कमेटी की रिकमेंडेशन के बाद ही इन्हें हटाया जाएगा। ठीक है, अगर सुप्रीम कोर्ट की कमेटी इन्हें गिल्टी पाती है तब। अगर बात करते रेजिग्नेशन की, तो राइटिंग में अपना रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट को दे सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ द कमेटी टू सिलेक्ट द सीबीसी, इनमें से कौन सा व्यक्ति पार्ट नहीं है जो कि सीबीसी को सिलेक्ट करता है। तो अभी हमने देखा 3 लोग होते हैं, होम मिनिस्टर, बिल्कुल सही बात है, लीडर ऑफ अपोजिशन इन द लोकसभा, बिल्कुल सही बात है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये भी करेक्ट है, लेकिन लीडर ऑफ अपोजिशन इन राज्यसभा, ये शामिल नहीं होते हैं। तो ऑप्शन डी करेक्ट नहीं है। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द सीबीसी, सीबीसी का हेडक्वार्टर आपको न्यू दिल्ली में देखने को मिलेगा, नई दिल्ली, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि भारत के पहले सीबीसी किसे चुना गया था, पहले सीबीसी, आंसर हो जाएगा निथूर श्रीनिवासन राव, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, विच कमिटी रिकमेंड
इज सेट अप द सीबीसी इन इंडिया। किस कमेटी के रिकमेंडेशन से 1964 में सीबीसी को सेटअप किया गया था? सो आंसर हो जाएगा संथानम कमेटी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। फरवरी 1964 में ये कमेटी बनी थी। नेक्स्ट है, द ऑफिस ऑफ सीबीसी फॉल अंडर द ब्लैंक मिनिस्ट्री। तो सीबीसी का ऑफिस जो है वो किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो अभी हमने देखा कि सीबीसी किसी मंत्रालय या किसी डिपार्टमेंट के अंदर काम नहीं करता, एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। तो ऑप्शन हो जाएगा डी, नन ऑफ द अबव। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट अबाउट द सीबीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? पहला बोला गया है कि जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन पे काम करता है, बिल्कुल सही बात है। अगली बात बोला जा रहा है कि सीबीसी जो एक्ट है उसको 2003 में लोकसभा और राज्यसभा से पास किया गया था, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। मतलब दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे, तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं विजिलेंस अवेयरनेस वीक के बारे में। हर साल इसे मनाया जाता है। आपको पता है यूनिटी डे मतलब एकता दिवस हम सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की बर्थ एनिवर्सरी मतलब 31 अक्टूबर में मनाते हैं। उसी दिन को इंक्लूड करते हुए यहाँ पे विजिलेंस अवेयरनेस वीक मनाया जाता है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के द्वारा हर साल अक्टूबर के मंथ में। जैसे अगर हम लास्ट ईयर की बात करते हैं 2021 में 26 अक्टूबर से 1 नवंबर के बीच में विजिलेंस अवेयरनेस वीक मनाया गया था, जिसकी थीम रखी गई थी इंडिपेंडेंट इंडिया एट 75। ठीक है, अब 2022 अभी अक्टूबर में जब ये वीक आएगा तब हम इसके बारे में अपने करंट अफेयर्स के सेशन में डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है, आप आंसर कीजिए और इसके बाद हम कैग से रिलेटेड क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू अपॉइंटमेंट ऑफ सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ऑफ द सीबीसी, कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है? पहला लिखा गया है कि सीबीसी को अपॉइंट करने का काम प्रेसिडेंट करते हैं। दूसरा स्टेटमेंट है, द कमेटी कंसिस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर एज अ चेयरमैन, द मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स एज अ मेंबर एंड द लीडर ऑफ अपोजिशन इन द हाउस ऑफ द पीपल। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? केवल एक, केवल दो, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है या इनमें से कोई भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? इसका जो भी आंसर होगा आप हमको कमेंट में दीजिएगा, सही आंसर भी मैं आपको वहीं पर रिप्लाई कर दूंगी। आइए अब हम एमसीक्यू देखेंगे कैग पर, कॉम्पटोरल एंड ऑडिटर जनरल पर। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच आर्टिकल इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड फॉर द पोस्ट ऑफ कॉम्पटोरल एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। कैग के बारे में इन्फॉर्मेशन हमको कहाँ पर मिलती है? तो जैसे कि मैंने कहा था आर्टिकल 148 में आपको कैग की इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो आर्टिकल 148 के अकॉर्डिंग जो कैग होता है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आइए अब हम कैग के बारे में कुछ और बातें करते हैं। तो जैसे कि हमने देखा कि आर्टिकल 148 में कैग के बारे में बात की गई है। कैग जो है वो क्या काम करता है? तो इंडियन ऑडिट और अकाउंट डिपार्टमेंट को होल्ड करने का काम या उसे हेड करने का काम करता है। पहले जो कैग हुआ करता था वो ऑडिटिंग करने का काम भी करता था, मतलब सॉरी अकाउंटिंग करने का काम भी करता था, लेकिन आज के समय में जो कैग है वो केवल ऑडिटिंग करने का काम करता है, अकाउंटिंग नहीं करता है कैग। लेकिन हाँ, पहले कैग का काम अकाउंटिंग और ऑडिटिंग दोनों था, लेकिन आज के समय में कैग का काम केवल और केवल ऑडिटिंग करना है। ठीक है, दोनों लेवल पे, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का लेवल हो या स्टेट गवर्नमेंट का लेवल हो, फाइनेंसिंग सिस्टम को रेगुलेट करने का काम, उनकी ऑडिटिंग करने का काम कैग करता है। ठीक है, तो एक तरीके से कह सकते हैं कि फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर का हेड जो होता है वो कैग होता है। क्लियर, अगली बात कर लेते हैं कैग के इतिहास के बारे में, कैग की कहानी के बारे में हम बात करते हैं। जैसे कि आपको पता था कि 1857 का रिवॉल्ट होता है भारत में और उसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कंट्रोल ख़त्म हो जाता है और डायरेक्टली जो क्राउन होता है उसका कंट्रोल भारत में आ जाता है। उसके बाद ही अकाउंटेंट जनरल को सेटअप किया जाता है 1858 में, और 1860 में सर एडवर्ड ड्रमोड जो है वो फर्स्ट ऑडिटर जनरल अपॉइंट किए जाते हैं। तो 1858 में पहले अकाउंटेंट जनरल को सेटअप किया जाता है, बात क्लियर है। इसके बाद ये जो अकाउंटेंट जनरल है इनको रीनेम करने का काम किया जाता है और फिर आगे चल के इसे ऑडिटर एंड अकाउंटेंट जनरल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहा जाता है। इन 1866 द पोजिशन वॉज रीनेम्ड
और फिर इसे हम कॉम्पटोरल जनरल ऑफ अकाउंट कहते हैं। तो इसे हम क्या कहने लगते हैं, कॉम्पटोरल जनरल ऑफ अकाउंट कहते हैं। और 1884 में वापस इसे रिनेम किया जाता है और फिर हम इसे कॉम्पटोरल ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कहते हैं, जो आज हम बात करते हैं कैग, कॉम्पटोरल एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये नाम 1884 में दिया गया है क्योंकि इसका इनिशियल नाम क्या था, अकाउंटेंट जनरल था 1858 के अकॉर्डिंग। फिर आपने देखा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 पास होता है, और 1919 जब पास होता है तो इस कॉम्पटोरल एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया को एक स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया जाता है, जबकि आज के समय में आप देखते हैं कि ये एक हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, लेकिन 1919 के एक्ट के जरिए इसे एक स्टैट्यूटरी पोजीशन दी जाती है, ठीक है। फिर जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पास होता है, उसमें ऑडिटर जनरल को जो है वो एक फेडरल सेटअप प्रोवाइड किया जाता है, केंद्रीय शक्ति के रूप में उभर के जो है वो कैग सामने आता है, क्लियर। इसके बाद अगर आगे और बात करते हैं, ये पूरा अरेंजमेंट 1947 तक रहता है, जब तक हमारा देश आज़ाद नहीं हो जाता। जब हमारा देश आज़ाद हो जाता है तो उसके बाद आपको पता है कि संविधान सभा बनती है, और संविधान सभा हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करती है, और उसी कॉन्स्टिट्यूशन को अप्लाई किया जाता है हमारे देश में 1949 में, 1949 में, और तभी आर्टिकल 148 का इस्तेमाल करते हुए कॉम्पटोरल एंड ऑडिटर जनरल को एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया जाता है, और इसे अपॉइंट करने का अधिकार प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास आता है। मतलब कैग की नियुक्ति कौन करता है, भारत का राष्ट्रपति करता है। पहले जो कैग का ज्यूरिक्शन है वो जम्मू एंड कश्मीर के बाहर होता है, लेकिन 1958 में कैग का ज्यूरिक्शन जो है वो एक्सटेंड कर दिया जाता है जम्मू एंड कश्मीर में। उसके बाद एक एक्ट पास होता है 1971 में, जिसको हम कॉम्पटोरल एंड ऑडिटर जनरल एक्ट कहते हैं, जिसमें कॉम्पटोरल एंड ऑडिटर जनरल मतलब कैग की क्या क्या पावर्स होंगी, ड्यूटीज़ होंगी, फंक्शंस होंगे, क्या क्या यहाँ पे कंडीशंस होंगी उनकी सर्विसेज की, वो सारी बातें 1971 के एक्ट में प्रेजेंट की जाती हैं। और तब तक जो हमारा कैग होता है वो अकाउंटिंग के साथ साथ ऑडिटिंग भी करता है, लेकिन 1976 के बाद हम कैग को केवल एक ही काम देते हैं, विच इज़ ऑडिटिंग। अब हमारा कैग अकाउंटिंग नहीं करता, केवल और केवल ऑडिटिंग करने का काम करता है। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के जो खर्चे हैं, जो पब्लिक का पैसा है, उसको कहाँ पर खर्चा कर रही है गवर्नमेंट, किस स्कीम के लिए कितने पैसे लिए हैं, और उनको उसी स्कीम में प्रॉपरली खर्चा किया है या नहीं किया है, इन सारी चीज़ों की ऑडिटिंग करने का काम कैग करता है। और कैग अपनी रिपोर्ट जो है वो प्रेसिडेंट को देता है, प्रेसिडेंट पार्लियामेंट में रखवाते हैं, पार्लियामेंट इसे लोक लेखा समिति मतलब पब्लिक अकाउंट कमेटी को देता है, और कैग की रिपोर्ट को चेक करने का काम पब्लिक अकाउंट कमेटी करती है, और पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेक होने के बाद इन्हें पब्लिक के लिए रखा जाता है। और कैग की ही रिपोर्ट में आपको कई सारे स्कैम के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलती है, जिनमें से एक बहुत ही फेमस स्कैम है जिसका नाम है 2G स्कैम या 2G स्पेक्ट्रम घोटाला। तो इस तरीके से सरकार के व्यय, ये सरकार का जो खर्चा है, उसकी ऑडिटिंग करने का काम हमारी कैग करती है, और कैग की नियुक्ति प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ठीक है। अब इंडिया का जो कैग है और ब्रिटेन का जो कैग है, उनमें क्या डिफरेंस है वो हम जान लेते हैं। तो इंडिया का जो कैग है वो केवल ऑडिट करने का काम करता है, मतलब एक ऑडिटर का रोल प्ले करता है, जबकि ब्रिटेन का जो कैग है वो ऑडिटिंग के साथ साथ अकाउंटिंग करने का काम भी करता है। हमने 1976 से ये काम करना बंद कर दिया है, ठीक है। अब कैग का काम क्या है, भारत सरकार का जो खर्चा है उसकी ऑडिटिंग करना, मतलब खर्चा हो चुका है उसके बाद ऑडिटिंग करना। लेकिन ब्रिटेन का कैग क्या करता है, जब कोई बिल पास होता है, किसी खर्चे से रिलेटेड बिल पास होता है, तो कैग की परमिशन के बिना वो बिल पास नहीं होता। ये डिफरेंस है, मतलब हमने जब काम को एग्जीक्यूट कर दिया उसके बाद ऑडिटिंग हमारा कैग कर रहा है, लेकिन ब्रिटेन का कैग खर्चे से पहले उसकी ऑडिटिंग करता है कि इतना हम इस चीज़ के लिए इतना खर्चा करेंगे, और पूरी रिपोर्ट तैयार करता है। हमारा जो कैग होता है वो पार्लियामेंट का मेंबर नहीं होता, लेकिन ब्रिटेन का जो कैग होता है वो पार्लियामेंट, वहाँ की जो पार्लियामेंट है वहाँ का मेंबर होता है। तो ये बेसिक डिफरेंस हमारे देश के कैग और ब्रिटेन के कैग में है। आइए अब कुछ क्वेश्चंस को हम देखते हैं। हमने पूरा इतिहास समझा, कहाँ से शुरुआत हुई थी और कब कब इसे रिनेम किया गया है। क्वेश्चन है, हु अपॉइंट द कैग? तो भारत में कैग की नियुक्ति कौन करता है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं, भारत के राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अभी आप सभी को पता है कि जीसी मुर्मू या गिरीश चंद मुर्मू जो हैं वो भारत के कैग हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द टेन्योर ऑफ ऑफिस ऑफ कैग? तो कैग का टेन्योर जो है वो 6 साल या 65 साल होता है, जो भी पहले हो जाए। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। तो सीबीसी के लिए 4 ईयर और 65 ईयर्स है ना, और यहाँ पर जो कैग के लिए है वो 6 ईयर और 65 ईयर्स है। इस बात को आपको याद रखना है कि सीबीसी और कैग के जो टेन्योर हैं उनमें डिफरेंस है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर।
नेक्स्ट बात करता है इनमें से कौन सी ऐसी कंपनी है जिसकी फुली ऑडिटिंग करने का काम कैग करता है। अब अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है तो किसी कंपनी की ऑडिटिंग भी कैग करता है, जैसे कि दामोदर वैली कॉरपोरेशन उसकी ऑडिटिंग भी कैग करता है और एयर इंडिया की ऑडिटिंग भी कैग किया करता था और करता है। लेकिन अब आपको पता है कि एयर इंडिया भारत सरकार का नहीं टाटा ग्रुप का मेंबर हो चुका है। अब टाटा ग्रुप चाहे तो कैग को बोल सकता है, नहीं तो वो अपने प्राइवेट जो ऑडिटर हैं उन्हें नियुक्त करके ऑडिटिंग करा सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी उस लिहाज से यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है द ऑफिस ऑफ कॉम्पटोरल ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया वॉज क्रिएटेड। तो कैसे इसे क्रिएट किया गया, तो अभी हमने देखा कि आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 148 में कैग के बारे में मिलता है। मतलब एक कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए कैग को क्रिएट किया गया है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्यूटी इज नॉट परफॉर्म बाय द कैग। इनमें से कौन सी ड्यूटी कैग परफॉर्म नहीं करता है। लिखा है कि जो भारत सरकार का कंसोलिडेटेड फंड है, भारत सरकार की जो संचित निधि है जहाँ पे हम सभी लोगों का टैक्स इकट्ठा होता है उसे ही हम कंसोलिडेटेड फंड कह रहे हैं। तो उससे जितनी भी रिपोर्ट तैयार हो रही है उसका जो भी खर्चा हो रहा है एक्सपेंडिचर हो रहा है कंसोलिडेटेड फंड से उसकी ऑडिटिंग करने का काम कैग करता है, बिल्कुल सही बात है। इमरजेंसी फंड या कंटिजेंसी फंड से अगर खर्चा हो रहा है या पब्लिक अकाउंट से खर्चा हो रहा है तो उसकी ऑडिटिंग भी कैग करेगा। ठीक है, हम जितना भी ट्रेड करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, हमें जो भी प्रॉफिट और लॉस होता है उसकी ऑडिटिंग भी कैग करता है, तो ये बात भी सही है। लेकिन ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट नहीं, टू कंट्रोल द रिसिप्ट एंड इशू ऑफ पब्लिक मनी। अब पब्लिक की मनी, लोग जनता कैसा पैसा निकाल रही, यूज़ कर रही है, वो कैग का काम नहीं है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही नहीं होगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द कैग। इनमें से कैग के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। पहला लिखा है कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, बिल्कुल सही बात है। इनकी जो सैलरी होती है वो जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट के बराबर होती है, ये बात भी सही है। ही इज डिस्क्वालीफाई फॉर एनी फर्दर गवर्नमेंट ऑफिस आफ्टर रिटायरमेंट, बिल्कुल सही बात है। रिटायरमेंट के बाद वो किसी भी सरकारी पद पर नहीं पहुँच सकते हैं, ये बात यहाँ पर मेंशन की गई है। ही कैन बी रिमूव बाय द प्रेसिडेंट, इन्हें राष्ट्रपति हटा सकता है, तो ये बात गलत है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, इन्हें राष्ट्रपति नहीं हटा सकता। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग अटेंड द मीटिंग ऑफ पब्लिक अकाउंट कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट। तो पब्लिक अकाउंट कमेटी की जब मीटिंग चलती है पार्लियामेंट में तो उसे कौन अटेंड कर सकता है, तो पब्लिक अकाउंट कमेटी कैग की रिपोर्ट चेक कर रही है, तो कैग यहां पर इस कमेटी की मीटिंग को अटेंड करेगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं कि कैग के द्वारा 2G स्कैम को एक्सप्लोर किया गया था और कॉमनवेल्थ गेम्स का भी जो स्कैम हुआ था उसे भी एक्सपोज किया गया था। तो यहाँ पर उस समय कैग कौन थे या किस कमेटी ने इसे लाइमलाइट में लाया था, कॉमनवेल्थ गेम और 2G स्कैम के एक्सपोज को, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर विनोद राय, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। यहाँ पर आप पूरी लिस्ट देख सकते हैं, इस पूरी लिस्ट में आपको बताया गया है कि अभी तक भारत के कैग कौन कौन रहे हैं। तो राजीव महर्षि जो हैं वो 2017 से 20 तक भारत के कैग थे, अभी गिरीश चंद मुर्मू या फिर जी सी मुर्मू अभी भारत के कैग हैं, और पहले जो कैग थे वो वी नरहरि राव थे जो कि 1948 से 1954 तक भारत के कैग रहे थे। तो ये पूरी लिस्ट है जो अभी तक भारत के कैग रह चुके हैं। ठीक है, तो ये आज का हमारा पूरा का पूरा पॉलिटी का सेशन था जहाँ पे हमने CBC और कैग के बारे में बात की। ऐसे ही अगले वीडियो में हम आगे की कुछ और स्टैचुरी और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के MCQ को डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखेंगे, टेक केयर।